जय जय हिंद भारत मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं इंटरनल कंबक्शन इंजन की इस लेक्चर नंबर टू में जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे पार्ट ऑफ इंटरनल कंबक्शन इंजन के बारे में सो so, हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि इसमें बेसिकली एक इंटेक वॉल्व होता है जिससे आपका एयर प्लस फ्यूल मिक्सर आता है आपका और जब पेट्रोल इंजन है जब आपका डीजल इंजन होगा देखिए पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में पार्ट सेम रहते हैं बस वर्किंग फिनोमिना भी सेम रहती है बस आपका प्रोसीजर चेंज हो जाता है एक दो पार्ट आपको इलिमिनेट कर देने पड़ते हैं सो इंटेक वॉल में जब पेट्रोल इंजन है तो आपका क्या होगा एयर प्लस पेट्रोल आपका सिलेंडर के अंदर आएगा और आपका स्पार्क प्लग पेट्रोल इंजन में रहेगा एज इट इज जब आपका डीजल इंजन होगा तो ये फ्यूल इंजेक्टर बन जाएगा एग्जॉस्ट वॉल्व जिससे आपकी बाहर अंदर की गैसें बाहर जाएंगी सो दैट इज वन दिस इज कॉल्ड द सिलेंडर

पिस्टन रिंग्स होती हैं जो एक प्रॉपर कांटेक्ट बना के चलती हैं सिलेंडर वॉल। दिस इज कॉल्ड सिलेंडर वॉल ये इ, सिलेंडर वॉल और इनके आ, पिस्टन रिंग का काम क्या होता है इसके अंदर लुब्रिकेंट भर जाता है और ये सिलेंडर के बीच बिल्कुल आ, फिक्स होकर चलती है बिल्कुल एयर टाइट गैप बना के चलती हैं

ट जब पिस्टन आपका रेसिपोकेट होता है तो आपका क्या होता है कि दैट पिस्टन uh, ये ये देखिए आपका क्या करता है पिस्टन इज कनेक्टेड टू द कनेक्टिंग रॉड दिस इज कॉल्ड कनेक्टिंग रॉड दिस इज कॉल्ड कनेक्टिंग रॉड ये क्या है आपका कनेक्टिंग रॉड तो पिस्टन का रेसिपोकेटिंग मोशन क्या हो रहा है कनेक्टिंग रॉड पे ऊपर नीचे इस तरह से और कनेक्टिंग रॉड इज कनेक्टेड टू द क्रैंक शेफ क्रैंक सेफ्ट से जमा है तो क्रैंक सेट क्या करता है ये रोटेट करता है ये रोटेट करता है आगे आपको भी दिखेगा किस तरह से जब आपका पिस्टन ऊपर नीचे जाता है तो ये कनेक्टिंग रॉड आपका इस तरह से मूव करता है कनेक्टिंग रॉड इस तरह से मूव करता है और ये जो पहिए जो है फ्लाई व्हील जो इसको एनर्जी बैलेंस करता है इंजन क्या करता है आपका वर्क करने लगता है सो दिस इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द इंजन सो अब हमें डिस्कस नॉमिन क्लेचर देखिये मैंने समझाया था थोड़ा सा पार्ट समझ टी डी क्या है बीडीसी क्या है स्वेफ्ट वॉल्यूम क्या है सो so, देखिए नॉमिन मतलब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली है इंजन के जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे सो so बेसिकली हम पहली यहाँ पे टर्मनोलॉजी डिस्कस करते हैं वॉल्व uh, तो आपको मालूम है वॉल्व जो होते हैं वो इनलेट वॉल्व या आउटलेट वॉल्व इनलेट वॉल्व जहां से आपका एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर आ रहा है और आउटलेट वॉल्व जहां से आपकी एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही है देखिए ये क्या होता है टॉप डेट सेंटर टॉप डेट सेंटर पहले एक एक चीज को क्लियर करते हैं टॉप डेट सेंटर टॉप डेट सेंटर वह जगह होती है जहां पे पे पिस्टन अपने टॉप सबसे पोजीशन खड़ा होता है मान लीजिए यहां पे खड़ा हुआ है और एक चीज और याद रखिएगा बच्चों कि ये बिल्कुल पिस्टन सिलेंडर हेड से चिपकता नहीं है कुछ जगह सिलेंडर हेड और टॉप डेट सेंटर के बीच पे बच जाती है मान लीजिए ये जगह इतनी बच गई आपको स्क्रीन में दिख रही होगी इस इस वॉल्यूम को इस वॉल्यूम को हम लोग क्या कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम इस वॉल्यूम को क्या कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम दिस वॉल्यूम इज नोन एज क्लियरेंस वॉल्यूम कोई पूछे क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है जब आपका पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे होता है और सिलेंडर हेड के बीच जितना एरिया बच जाता है अब उसको कवर नहीं कर पाता है सिलेंडर uh, आपका सो दिस इज कॉल्ड दी नोन दिस वॉल्यूम इज नोन एज द क्लियरेंस वॉल्यूम अब आपका क्या है बोर बोर इज द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर बोर इज द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर ये कि, कितन, आ, कितना आपका बोर है मतलब क्या डायमीटर डायमीटर का साइज है सो दिस इज द ऑफ द सिलेंडर स्ट्रोक स्ट्रोक क्या है टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर की जो ये दूरी होती है जिसको पिस्टन ट्रेवल करता है एक बार में दिस इज कॉल्ड स्ट्रोक सो दैट टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर बॉटम डेड सेंटर जहां पिस्टन आके यहां पे सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे जहां खड़ा होता है दैट इज कॉल्ड दी बीडीसी देखिए आपको एक फिगर में यहां दिखाया गया होगा पिस्टन सब so पिस्टन सबसे सबसे ऊपर है, है, जब नीचे स्ट्रोक और जो सिलेंडर का डाया होता है दैट इज कॉल्ड बोर इतनी चीजें क्लियर हो गई ये क्या होता है आपका पिस्टन होता है और पिस्टन से जो ये रॉड जुड़ी रहती है दैट इज कॉल्ड कनेक्टिंग रॉड इनको क्या कहते हैं कनेक्टिंग Rod. इसको क्या कहते हैं कनेक्टिंग रॉड जब पिस्टन आपका ऊपर नीचे कहता है इस मोशन को हम कहते हैं है, तो है, है, वो क्या कहलाते हैं हम लोग उस रोड को हम कहते हैं स्मॉल कनेक्टिंग रॉड के दो एंड होते हैं एक बड़ा एंड देखिए आपको दिख रहा है कनेक्टिंग रॉड का और एक छोटा एंड दिख रहा है

जब हमारा पेट्रोल इंजन है तो वहां फ्यूल इंजेक्टर ना लगा के वहां स्पार्क प्लग हम लगाते हैं और फ्यूल इंजेक्टर जहां पे होगा वहां पे हम लोग जब हमारा डीजल इंजन है तो स्पार्क प्लग निकल आता है और हमारा फ्यूल इंजेक्टर लगता है दो पहली एक चीज ये और दूसरी चीज जब आपका पेट्रोल इंजन हम लोग लेते हैं तब हमारा इंटेक मेनीफोल्ड से या इंटेक वॉल्व से हमारा क्या होता है इंटेक वॉल्व से हमारा क्या आपका पेट्रोल और एयर का मिक्सर सिलेंडर के अंदर जाएगा और जब आपका डीजल होता है तो सिर्फ एयर का मिक्सर जाएगा अभी वर्किंग फिनोमिना हम लोग समझेंगे सो दिस इज द नॉमिन ऑफ इंजन This is the base of engine. Engine को कैसे क्लासीफ करते हैं तो हम लोग इंटरनल कंबक्शन इंजन क्लियर हो गया हमने क्या था इंटरनल कंबक्शन इंजन वो इंजन है सिलेंडर होता? होता है सिलेंडर आपको बता दिया सिलेंडर के अंदर ही फायरिंग हो जाए इस तरह के इंजन क्या होते हैं दैट इज कॉल्ड द इंटरनल कंबक्शन इंजन तो इंटरनल कंबक्शन इंजन में बेसिकली हम लोग स्पार्क इग्निशन इंजन लगाते हैं और कंप्रेशन देखिए एस आई इसको शॉर्ट नेम जो हम लोग शॉर्ट नेम कहते हैं वो एस आई इंजन और सीआई इंजन के नाम से भी जाना जाता है तो कोई डिफरेंस नहीं है अभी देखिए आपको क्लियर हो जाएगा हमने एक आ, ये इंजन एस आई इंजन वे इंजन है जो पेट्रोल इंजन है जिसके 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 इंटेक में एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर जा रहा है दैट टाइप ऑफ द इंजन इज नोन एज स्पार्क इग्निशन इंजन और जिस इंजन में आपका क्या है स्पार्क प्लग भी लगा हुआ है दैट टाइप ऑफ द इंजन नोन एज स्पार्क इग्निशन इंजन

स्पार्क दिस इज द वर्किंग फिनोमिना ऑफ फोर स्ट्रोक इंजन देखिए किसी इंजन को चलने के लिए चार प्रोसेस की आवश्यकता होती है एक एक प्रोसेस देखिए फिगर मैंने आपको दिखाया है अभी आपको फिगर इसमें समझ में नहीं आएगा मैं पहले समझता हूं को को समझ। देखिए यहाँ टाइमिंग चल रही है स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है वन टू थ्री फोर देखिए ये वन है ये टू है ये थ्री है ये फोर है अब मैं एक एक तो किसी भी इंजन को वो इंजन पेट्रोल इंजन हो या वो डीजल इंजन हो उसको चलने के लिए आपको चार स्ट्रोक जरूर चाहिए स्ट्रोक जरूर चाहिए वो पहला स्ट्रोक होता है उसका सक्सन स्ट्रोक है जरा ध्यान मैं जरा इसी एनिमेशन वीडियो से, इनलेट वॉल्व जब पार्ट बता रहे थे पहले वीडियो में तो इनलेट वॉल्व आपका ओपन होता है और मान लेते हैं ये इंजन हमारा क्या है पेट्रोल इंजन तो इनलेट वॉल्व ओपन होता है तो वहां से एयर प्लस फ्यूल का मिक्सर सिलेंडर के अंदर आता है तो सिलेंडर के अंदर कब आएगा जब हमारा ये सिलेंडर के अंदर ये देखिए जरा ध्यान देखिएगा पिस्टन के अंदर तब आएगा जब हमारा ये जब इन आपका इनलेट वॉल्व ओपन दिस इज कॉल्ड द इनलेट वॉल्व ये क्या है हमारा इनलेट इनलेट वॉल्व ये क्या है हमारा इनलेट वॉल्व जैसे ही इनलेट वॉल्व ओपन हुआ यहां से एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आया ये कैसे आया ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस बाहर का प्रेशर ज्यादा है अंदर का प्रेशर कम है तो ये क्या हुआ तो ये, और ये कैसे कम हो रहा है जब पिस्टन आपका ट्रेवल कर रहा है पिस्टन कहां से ट्रवल कर रहा है टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर